इतनी जल्दी पाकिस्तान का मौसम चेंज नहीं होता जितनी जल्दी पीसीबी का न्यू चेयरमैन आ जाता है। पिछले 8 महीने के अंदर तीसरा न्यू चेयरमैन आने वाला है। रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कहते कि मैं पीसीबी के चेयरमैनशिप की रेस से बाहर हो रहा हूं। मैं मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता। इसका मतलब क्या होता है? तनाजे की हड्डी, मतलब के तनाजे की वजह मैं इन दोनों पार्टीज के दरमियान में बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है अब वो एक सर्कस की शक्ल जो अख्तियार कर गया, एक सर्कस की चेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, जिसका दिल करता है वो आगे चेयर के ऊपर बैठ जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट को जो है चलाना शुरू कर देता है। नजम शेट्टी साहब जो कि बड़ी बातें कर रहे थे कुछ दिनों तक, बड़ी बड़ी बातें जो उनके सुनने को मिल रही थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये फलान करेंगे, हम वो तिंगान करेंगे, उन्होंने कल रात गए जो है ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है उसकी रेस के अंदर जो है मजीद शामिल नहीं रहना चाहता, यानी कि मैं इस रेस से जो है वो आउट होता हूँ। और इसके बाद अब सीधी सी बात है, जो नए चेयरमैन आपके बनने जा रहे हैं वो ज़का अशरफ साहब जो है पाकिस्तान क्रिकेट के जो है नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। नजम शेट्टी साहब ने ट्वीट किया कि वो नहीं चाहते कि दो जो बड़े सियासी लीडरान हैं हमारे नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी, उनके दरमियान किसी इख्तलाफ की वजह बने, और उन्होंने फैसला किया है कि वो अनसर्टेनिटी पीसीबी के लिए ठीक नहीं है और वो अब चेयरमैनशिप के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। और बातें बड़ी बड़ी कहते हैं कि दुकान करोड़ों की या फकवान कुछ इस तरह की जो है मिसालें इनके ऊपर सेट होती हैं। तो राहुल साहब मुकाबला करते हैं ये इंडिया से, मुकाबला करते हैं ये बीसीसीआई से, उधर की स्टेबिलिटी देखें, उधर के डिसीजन देखें, यहाँ का डिसीजन देखें, 6 महीनों के अंदर अंदर दूसरा चेयरमैन चेंज हो गया। देखिए वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है, आपने मीटिंग्स में हाइब्रिड मॉडल पे आप बातें कर रहे हैं, मुतालबे हुए हैं अहमदाबाद का वेन्यू चेंज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू चेंज कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा यार साल में 3-4 बार मौसम बदलता है, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम। तो यार पाकिस्तान में डिसाइडेड है कि हर मौसम का एक अलग ही चेयरमैन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। भाई गर्मियां जैसे ही खत्म हो रही हैं अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो भाई नजम अजीज सेट्टी को रिजाइन देना पड़ा और ज़का अशरफ आ गए। अभी याद होगा आप लोगों को गर्मियों की शुरुआत हुई थी, सर्दियां थी थोड़ी थोड़ी, तो भाई रमीज राजा को हटा के फिर नजम सेट्टी आए थे। यार मतलब भाई खेल हो गया है, मजाक हो गया है, जोक हो गया है, जिस तरीके से 3-3 महीने 4-4 महीने में चेयरमैन बदले जा रहे हैं भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही हो सकता है। यानी यार जोकरों की कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लिटरली बता दूं, कोई इंडिया को धमकी देता है बोलते भाई नजम अजीज सेट्टी जैसा कभी नहीं आया, रमीज राजा जैसा चेयरमैन कभी नहीं आया, बस भाई होता कितना है 2 महीने में फारिग, 3 महीने में फारिग। अब सालों जब तुम्हें खुद का अपना सपोर्ट नहीं है, खुद का तो इनको कोई सपोर्ट नहीं करता इनके बंदे, ठीक है, अब तुम इंडिया की जड़ें हिलाओगे, बीसीसीआई की जड़ें हिलाओगे, बीसीसीआई तो सालों तुम्हें नस्ते नाबूद कर देगा, ऐसे चुटकियों में कह रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी अफगानिस्तान वाले मैच का वेन्यू चेंज कर रहे हैं, मुझे बताएं ये मीटिंग कौन करेगा यार। सबसे बड़कर तो मसला ये है कि यहां पर इतनी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इस टाइम चल रही है कि हर कोई मरे जा रहा है पावर के लिए। यार तुम्हारी अपनी उम्र देखो, ज़का अशरफ साहब से मैं सवाल करता हूं, भाई तुमने कितना खा पी लिया है, शुगर मिल के मालिक ये, अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक ये, भाई तुमने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अभी भी तेरा दिल नहीं भर रहा, अभी भी आके तू 2013 में चेयरमैन बन गया, जरकियाती बैंक का तू पूरा पता नहीं क्या क्या बन गया, मुझे तो ओहदे मैंने लिखे होते हैं, मुझे वो भी याद नहीं रहे कि यार क्या ये बन गया। तो भाई अब भी दिल नहीं भरा, अभी भी पेट नहीं भरा, भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठे हैं कि जितना मर्जी ठूस लो उनके पेटों में उनको डकारे ही नहीं आती भाई। ऐसा खजाना नजर आ रहा है कि जिसके लिए चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन तो वैसे भी हो जाने के लिए 4-5 महीनों के, तो ये कहते हैं कि जिस जिसके पास जो जो ताकत है और जो जो उसको यूज कर सकता है वो उसको यूज लाजमी करे, ताकि उसको बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि भाई मैं हुकूमत के अंदर था, मैं पावर के अंदर था, नोचा माचा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर देखो ऐसी तरक्की नहीं थी कभी भी। आपके जो रमीज राजा वो एक अपने प्लान लेकर आए थे, दिसंबर में उनको उठा के बाहर फेंका, अब जो है नजम शेट्टी साहब अपने एक प्लान लेकर आए हुए थे, अगले साल ही जून के अंदर उनको उठाकर जो है वो आपने बाहर फेंक दिया, ये मामला पता नहीं किस तरफ जा। चलो अच्छी बात है आपने बताया कि नबी राजा और वो जो नजम सेठी थे वो प्लान लेकर आए थे, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है कि अब जो बंदा आ रहा है उसके पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जब वो चेयरमैन थे उस टाइम पीएसएल की भी एक ऑफर आई थी कि भाई पीएसएल को ऑर्गेनाइज करनी, उसने कहा भाई ये मैं नहीं करा सकता, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसका अपना इतना बड़ा बिजनेस है, जब आपका ऑलरेडी आपकी प्रेफरेंस है ना, एक बात है कि अगर आपका इतना बड़ा बिजनेस है तो आप क्यों आओगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको फर्क क्या पड़ता है, आपको खाली बात वो भी मैं और आप ऑफ द कैमरा बात करते कि भाई ये पॉलिटिशियंस को क्यों मिर्चें लगी होती है, पैसा तो इतना है, करप्शन कर करके इतना लूट मार की गई, तो फिर क्या है जिंदगी भर भी इनकी नस्लें भी खाएं खत्म नहीं होगा, फिर भी खत्म नहीं होगा, तो फिर ये सियासत में क्यों चिमड़े रहते हैं। तो उसका जवाब यही हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई पावा 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 एक ही बात है, ना
पंजाबी पावा कहते हैं और लोग आपके आगे पीछे होने चाहिए और आपका फोन प्रोटोकॉल होनी चाहिए। ये क्या आपके पीछे फिर मैच हो रहा है, लोग आपको टिकटॉक के लिए फोन करें। ये चलो छोटा है, आपको बड़े बड़े सर है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे क्रिकेट एक बहुत बड़े लेवल पर है। जैसे अगर आप देखो जय शाह, वो अमित शाह के बेटे, वो उस कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। क्रिकेट एक अगर आप देखो तो एक पावरफुल एक चीज है, लेकिन वहां पर ये तो है ना कि वहां पर इस चीज को लेकर स्टेबिलिटी तो है ना, कितने लंबे अरसे से चलो वही मौजूद है, ऊपर से बार बार चेंज नहीं होता। चेंज होगा क्या, अब होगा ये कि आपका एशिया कप सर के ऊपर खड़ा हुआ है, वर्ल्ड कप आपका सर के ऊपर खड़ा हुआ है, आपके सिलेक्टर चेंज हो जाएंगे, आपके हेड कोच चेंज हो जाएंगे, आपके मिकी आर्थर को जो है पाकिस्तानी बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि ये बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ऐसे पड़ेगा, टूर्नामेंट तो हो रहा है, फर्क ये पड़ेगा, एक तो आपका जो भी चेयरमैन आएगा, मैं जिक्र बता दूं आपको, आमिर सुहेल, उन साहब ने कल एक पिटीशन दायर किया और एक लीगल नोटिस भेजा है, ये जो भी पीसीबी की जो कमेटी है नजम सेठी की, कि भाई इनकी मुदत खत्म हो गई, ये बैठे इनको निकालो। ओ भाई तेरा क्या काम है, सही बात, तू कौन है भाई, तू है कौन? तो फर्क यह है कि वो इसलिए उसको फर्क पड़ता है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई देख खुलने वाली है, नई देख खुलने वाली है, तो सारे टट्टू मट्टू सब तैयार आ जाते हैं कि हमें मिलेगा मिलेगा हमें कुछ हमें मिलेगा। तो आमिर सोहेल भी इसलिए आगे हाथ फैला के मुझे भी कुछ मिलेगा, इसलिए वो तैयार बैठे कि मैं सिलेक्टर बन जाऊं। अब वो बंदा जब सिलेक्टर बन जाएगा फिर उसके नए प्लान होंगे, फिर वो एक नई चीज करेगा, इसी तरीके से जो सीईओ है वो चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से बाकी जितने अच्छे अच्छे औहदे हैं पीसीबी के वो सारे चेंज हो जाएंगे, फिर वो जब चेंजेस होंगे तो वो अपने माइंडसेट के मुताबिक कोच भी लाएगा, वो अपने मुताबिक सारी तब्दीलियां करेगा, फिर वर्ल्ड कप का जो स्टैंड है वो भी एक उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई बहुत फर्क पड़ता है अगर आपका पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो जाए, वर्ल्ड कप से 4-5 महीने पहले चेंज हो जाए तो ये बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके हारून रशीद आए थे, टीम बना रहे थे, ये कर देंगे, वो खिलाड़ी आएगा। मैं तो सवाल पूछता हूं कि भाई हारून साहब आप हो गए उस टाइम, आप हो गए कि नहीं हो गए, पहले तो आप ये बताओ। नहीं होंगे। लेकिन अली साहब जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, हाई क्राइसिस से चल रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके आपकी जितनी ये पीडीएम बनी हुई है, टोटल ये चल ही सब पॉलिटिकल गंद मचाती है, सिर्फ भूखे हैं, वो नहीं होते भूखे कि हमें कुछ मिल जाए, बस वो नोच नोच के हमें कुछ मिल जाए, हमारी तरह से नोच ले सब कुछ, तो नोच नाच लिया, बस अब कह रहे क्रिकेट का भी हम कुछ नोच लें। सिंध हमारा आता है, ये जो अभी जो जिस गवर्नमेंट का जो चाह रही है कि भाई हम ये हमें चाहिए पीसीबी की चेयरमैनशिप, सिंध उनके पास पूरा सूबा है, और आप उस मैं उधर जाता रहता हूँ, आप उसकी हालत देखिए, इंतहाई मतलब जाकर रोना आता है, यकीन कीजिए। घर के अंदर तो कोई औकात है नहीं, तुम सालो इंडिया को हिलाने आए हो, तो नजम सेट्टी के साथ मेरे हिसाब से सही हुआ यार, ये बंदा इतना चौड़ा हो रहा था न्यूज चैनल पे बैठ के, यार इंडिया के कहने से नहीं होगा, इंडिया को आना ही पड़ेगा, हमारे इधर हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप का, बायकॉट कर देंगे, बायकॉट वर्ड लेके आ गया यार ये, मतलब अभी तक किसी में औकात नहीं थी कि बायकॉट करने की बात करे बीसीसीआई को, ये साला बायकॉट वर्ड लेके आ गया, हालांकि कर नहीं पाएगा, बस बायकॉट बोलने लग गया था टीवी चैनल्स पे बैठ के, इसकी औकात दिखा दी पीसीबी ने, ठीक है। अब जगह आसरा पाया, उनका ओपिनियन देखते हैं भाई, इंडिया के खिलाफ बीसीसीआई के खिलाफ कैसा है, प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं या फिर ये भी नजम और रमीज की तरह चुतियापा करेंगे तो फिर फंसेंगे, तीन महीने दो महीने के मेहमान ये भी रहेंगे भाई। फिलहाल तो 3 महीने में नजम सेट्टी का काया पलट कर दिया गया और सारा चौड़ापन इनका पीछे ठोक दिया गया भाई, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। बाकी नजम अजीज सेट्टी की बात करूँ तो यार उन्होंने कुछ इंडिया के खिलाफ बहुत एक तरीके से यार प्रोपेगेंडा फैलाया, ठीक है, और खुलेआम नाम ले लेके बीसीसीआई की, जैसा कि हमारे टीवी चैनल्स पे बैठ के खुलेआम बेइज्जती की उन्होंने, ठीक है। हमारे मीडिया जनों का भी सपोर्ट बखूबी रहा नजम अजीज सेट्टी के साथ, कि उन्होंने इंटरव्यू को दिखाया, मैं तो कहता हूँ साले पाकिस्तान के बंदों का इंटरव्यू जो इंडिया के बारे में हेट बोल रहा हो उसको तो दिखाना ही नहीं चाहिए, फिर भी हमारे जिगरी भाई न्यूज़ चैनल्स वालों ने दिखाया, जो कि और एक बार न्यूज़ चैनल वालों ने जवाब नहीं दिया नजम अजीज सेट्टी को, फिर भी यार नजम के साथ जो हुआ पीसीबी ने जो किया मेरे हिसाब से फेयर इनफ है। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि ऐसे ड्रामेबाजी पीसीबी में चलते रहना चाहिए? मुझे तो भाई मजे आते हैं पीसीबी में ऐसे ड्रामेबाजी देखने, तो जुड़े रहे भाई क्रिकेट तक पे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।